नमस्कार हफ्ते की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है मॉब्स जो हैं उन्होंने सड़कों पर कब्जा कर लिया है पर जो ज़्यादा डरावनी बात यह है कि सरकार ने ना ही केवल उनको पैटर्नाइज़ किया है उनको संरक्षण दिया है पर साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन ये जो अंग हैं इनको भी सरकार जो उनकी मदद कर रही है इन सब चीज़ों में उनको संरक्षण दे रही है और ऐसी अनेक राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर उर्मिलेश हमारे साथ मौजूद हैं उर्मिलेश न्यूज क्लिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है मुजफ्फरनगर से शुरू करते हैं कि मुजफ्फरनगर के दंगों में सरकार रिकमेंडेशन देती है कि जो आप चार्जेस हैं वो हटा लें हालांकि जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है उसने मना कर दिया पर एक तरीके से ये जो ट्रेंड है हमें देखने को मिल रहा है कि अनेक ऐसी जगहों पर जहाँ पर भाजपा के नेता इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ने के लिए या तो सरकार ब्यूरोक्रेसी पे दबाव बना रही है और जो उनकी मदद कर रही है सरकार का उनको पैटर्नाइज भी कर रही है इस सारी चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं देखिए मैं इसको इसका पहले जो वैचारिक या सैद्धांतिक पक्ष है उसको आपके सामने रखने से पहले मैं आपके और अपने दर्शकों को ये एक ख़बर देना चाहता हूँ क्योंकि खबरें आजकल एक इलाके की बहुत प्रमुख खबर दूसरे इलाके इलाके तक नहीं पहुंच पाती देश के लोग नहीं जान पाते कि दूसरे बगल के प्रदेश में क्या हो रहा है मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ लखनऊ देश का आ, सबसे बड़े राज्य की राजधानी है अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ के एक मशहूर इलाके हजरतगंज में एक घटना घटी घटना ये घटी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके जो कार्यकर्ता हैं वो आ, पंजाब के मंत्री और कांग्रेस के नेता एक जमाने के बड़े क्रिकेटर नवजेत नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पुतला दहन उनका कर रहे थे पुतला दहन करते समय वो आलाप ऑफ सडन बगैर सरकार से किसी परमिशन पुलिस से किसी परमिशन के वो सड़कों पे आ गए सड़कों पर आकर उन्होंने पूरे ट्रैफिक को और वो भी शाम को लखनऊ में हज़रतगंज जो में, सबसे बिजी सबसे बिजी इलाका या वहाँ का कनाट प्लेस है और वहाँ भी मेट्रो ट्रो का काम हो रहा है इसलिए और ज़्यादा परेशानी है तो उसकी वजह वजह से पुलिस ने उनको मना किया कि भई आप ये ना कीजिए आपको पहले करना चाहिए था बताना चाहिए था ये गलत तरीका है उन्होंने रोका जब नहीं रुके तो एस ने आकर के और उनको थोड़ा सा बाहर करना चाहा जो एस ओ का कोई बड़ा अफसर थाने का इंचार्ज उन्होंने एसओ पे हाथ चला दिया कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर पुलिस ने भी लाठी चलाई इसकी वजह से हुआ ये कि जो एस ओ पीटे थे जो थाना इंचार्ज साहब पिट गए थे उनको ही सरकार ने सस्पेंड कर दिया और जिन लोगों ने थाना के प्रभारी या जो इंस्पेक्टर जो भी आप कह लीजिए उनको जिन लोगों ने पीटा था जो मारा था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं तो ये तो हाल है उस प्रदेश का जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ये खबर दिल्ली को नहीं है ये खबर बंगाल तक भी नहीं पहुंची है ये खबर कहीं नहीं है सिवाय उत्तर प्रदेश के उस इलाके तक ये खबर सीमित रह गई तो इन दिनों खबरों का भी लोकलाइजेशन हो गया है ग्लोबलाइजेशन के दौर में खबरों का लोकलाइजेशन तो हमारा ये कहना है अब आप एक उदाहरण मैंने दिया ऐसे मैं आपको असंख्य उदाहरण दे सकता हूँ अखबार की कतरनों से जो रीजनल अखबार पढ़ करके या आप सोशल मीडिया पे इन ख़बरों को देख सकते हैं मेरा ये कहना है कि पहले भी जो सरकारें आती थीं जिन पार्टियों की वो अपनी वैचारिकता के आधार पर ब्यूरोक्रेसी को प्रशासन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि किसी दूसरी विचारधारा से जुड़ी पार्टी कार्यकर्ता या उसकी उसके जो संगठन हैं उनको बिल्कुल नेस्तनाभूत करने का जैसे मानो आदेश दे दिया जाता हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था ठीक है झगड़े होते थे मारपीट भी हो जाती थी कार्यकर्ताओं के बीच लेकिन शासन प्रशासन को या आई मीन कार्यपालिका को इस तरह से नहीं मोबिलाइज किया जाता था इस तरह नहीं पोलराइज किया जाता था कि वो एक संगठन विशेष सरकार नहीं सिर्फ सत्ताधारी पार्टी नहीं सत्ताधारी पार्टी के पीछे जो चलाने वाले लोग हैं पूरे की पूरी व्यवस्था को उसकी तरफ वो पूरी की तरफ केंद्रित हो जाए ऐसा पहले नहीं होता था इस वक्त क्या हो रहा है जो नई बात देखने को मिल रही है पिछले कई सालों से वो ये है कि पूरी की पूरी कार्यपालिका को पूरी की पूरी अफसरशाही को वो हिंदुत्वा की विचारधारा से वो जोड़ना चाहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्यूरोसी भारत के संविधान भारत में आईपीसी है सीआरपीसी है जो हमारी दंड संहिताएं हैं इनकी रोशनी में काम न करें वो ये तय करें कि कौन सी चीज़ को अपराध कहा जाए किसको अपराध न कहा, कहा जाए किसको गलत काम कहा जाए किसको सही काम कहा जाए इसके लिए वो संहिता जो बनाना चाहते हैं वो नागपुर से नियंत्रित जो संगठन है उसकी उसके पूरे पैमाने से या उसके मानदंड से ये एक नई चीज है जो पहले कभी नहीं दिखाई देती थी ये दो उदाहरण मेरे सामने इस समय दिमाग में आ रहे हैं और दोनों बिहार से हैं एक तो मुजफ्फरपुर घटना जो है वहां पे जो सीबीआई ऑफिसर उसके इंचार्ज थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया दूसरा हाल ही में एक खबर आई कि एक महिला को वहां पर निवस्त्र पूरे उसका चक्कर लगाया गया मॉब उसके पीछे पीछे चल रही थी उसकी भी खबर जो है वो कहीं नहीं है केवल सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है जबकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो नेशनल लेवल पे हो या प्रिंट मीडिया हो एकदम शांत है उस पर देखिए अजीब बात है कि इस वक्त मीडिया वाकई जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है चीजों को हैरतंगेज है बिहार की जिन दो घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पर तो ये ख़बरें हैं ही हैं और लोकल मीडिया ने भी थोड़ा बहुत छापा है लेकिन नेशनल मीडिया में बिल्कुल वो गायब है दूसरे प्रदेशों में कहीं वो ख़बर नहीं है टेलीविज़न चैनलों में इस तरह से वो खबर नहीं चली है हल्की फुल्की कहीं कहीं चली है लेकिन जो पहली घटना अगर आप देखें जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला जो है अब शेल्टर होम में जाँच सी कर रही है सी के जो एस साहब जो बिहार के प्रभारी वहाँ थे वो इसकी पड़ताल कर रहे थे उनकी टीम कर रही थी उनके नेतृत्व में उन्होंने बहुत सारे लोगों को समन किया था बहुत सारे लोगों के यहाँ उन्होंने धावा बोला था बहुत सारे लोगों से कि उन्होंने पूछताछ की थी इसी दरमियान बिहार सरकार की एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके पति से लेकर तमाम मैं किसी के आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन तमाम लोगों पर सवाल उठे थे उन्होंने सरकार ने हो सकता है उनको कहा हो कि आप इस्तीफा दे दीजिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया मेरी जो जानकारी है कि एक और मंत्री पर इसी तरह की स्थिति पैदा हो रही थी और इस पड़ताल के दायरे में सीबीआई के जो अफसर हैं वो ऐसे भी लोगों को ले रहे थे जो मीडिया से जुड़े हुए हैं मीडिया से मतलब कोई बड़े संपादक नहीं हैं कोई बड़े पटना के पत्रकार या दिल्ली के नहीं हैं वो स्थानीय स्तर के पत्रकार हैं जिनका उस शेल्टर होम जिस मकान में चलता था जो उसके मालिकान हैं जो कमल संदेश या इस तरह का कोई अखबार सॉरी मैं नाम बोल गलत बोल गया प्राथा कमल वो उस अखबार का ज, के जो मालिक हैं उनसे जिनका रिश्ता था उधर पहुंच रहा था इसमें कई लोग बेहद प्रभावशाली थे मेरी जो जानकारी है कि सीबीआई के जो एसपी हैं उनका जो तबादला किया गया उनको जो हटाया गया उस उस काम से वो राजनीतिक कारणों से हटाया और पहली रिपोर्ट सबमिट करने के कुछ दिन पहले। Exactly और दिलचस्प बात यह है कि यह मामला हाई कोर्ट में गया हाई हाई कोर्ट ने पूछताछ की है अब दो बातें हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीबीआई एसपी को उत्तर प्रदेश में कोई पोस्टेड सीबीआई एस, के एसपी हैं जो जानकारी अखबारों से मुझे मिली कि उनको कहा गया है कि वो एडिशनल चार्ज संभालें अब सवाल यह है कि पूरे एक प्रदेश का सीबीआई का कारोबार एक ऐसा एसपी संभाले जो किसी और दूसरे बड़े प्रदेश का सीबीआई का एसपी है आप उस एस को बाहर कर रहे हैं जो आपके यहाँ पोस्टेड है और एडिशनल चार्ज दे रहे हैं नया एस भी नहीं ला रहे हैं एक तो ये पहलू उठता है दूसरी बात कि हाई कोर्ट में जब मामला गया तो हाई कोर्ट ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही हाई कोर्ट ने ये तो कहा कि हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दे दिया कि मीडिया इस पड़ताल के बारे में रिपोर्ट ही ना करे अब सवाल यह है कि अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा वैसे ही इस देश में मीडिया बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी अगर समाज में सूचना नहीं मिलेगी तो समाज का शासन पर या एजेंसीज पर दबाव कैसे बनेगा तो मुझे लगता है कि यह भी एक सोचने का विषय है एक ऐसा विषय है जिस पर जो हमारे देश के न्यायविद हैं और जाहिर है वो बहुत कुशल बहुत विद्वान हैं उनको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए बिहार से एक और एग्जाम्पल मेरे सामने अभी मुझे दिमाग में आया कि डॉक्टर संजय कुमार पे जो हमला हुआ था एम्स में भर्ती है इमरजेंसी वार्ड में और बिहार की पुलिस उनका ही इंतजार कर रही है कि वो वापस आए और सरेंडर करें जबकि जिन्होंने हमला किया था उनका उनका कोई नामो निशान ही नहीं है इस पूरे केस में ये ये जो केस आप उठा रहे भयानक मामला है उनको जिस तरह मारा गया जिस तरह पीटा गया वो सिर्फ मौत के शिकार अभी तक नहीं हुए ये एकमात्र बड़ी बात है उनको ऐसी जगहों पर शरीर के मारा गया कि उनको उनकी मौत हो जाए फिर भी जब उनको भर्ती कराया गया मोतिहारी में फिर पटना डॉक्टरों की टीम तक को मुझे लगता है इन्फ्लुएंस किया गया कि इनको बाहर रेफर न किया जाए उनके दोस्तों ने उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लाया अब मेरा कहना है कि ये काम बिहार सरकार था, का था कि वो एयर एम्बुलेंस बुलाकर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जो समाज का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको एयर एम्बुलेंस से एम्स लाती या जहाँ भी लाती दिल्ली के बड़े अस्पताल में या कलकत्ता ले जाती लेकिन सरकार ने पल्ला झाड़ लिया एफ जो हुआ वो काफी समय बाद हुआ जो इन्होंने दिया था बड़े दबाव के बाद हुआ वह भी अटेम्प टू मर्डर का यह केस नहीं है हत्या के प्रयास तक का भी केस नहीं है और उसमें मामूली जो बात है प्रोवोकेशन या थोड़ा बहुत शारीरिक क्षति पहुंचाना इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि एक सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में रहने वाले लड़के से जो मुतिहारी का ही है बाकायदा ये केस करवा दिया इनके खिलाफ एक सौ तिरपन ए और बी का संभवतः केस है और अब सवाल यह है कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि जैसे ही वो मोतिहारी जाएंगे पढ़ाने उनको सबसे पहले पुलिस गिरफ्तार करेगी ये तो हालत है जिन लोगों ने प्राणघातक हमला किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जिस पर हमला हुआ वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्वस्थ होने का इंतजार कर गिरफ्तार होने के लिए जाने वाला है ये, ये अजीब निज़ाम है ऐसा ऐसा ऐसी कानून व्यवस्था ऐसा आ, आ, शासन का प्रबंधन हमने पहले कभी नहीं देखा था आपने एक और बात पूछी जिसका जवाब मैं उस समय नहीं दे सका जो निर्वस्त्र कर एक महिला को घुमाने की बात है देखिए इस देश के अत्यंत पिछड़े कई इलाकों में पहले भी इस तरह की घटनाएं घटती थीं लेकिन आरा जिले के भोजपुर जिले के एक सरेआम बाजार में एक गांव के पास और गांव और कस्बे के बीच की वो बात है वहाँ पे इतना बड़ा जुलूस निकाल कर एक महिला को जो जिसकी उम्र भी ऐसा नहीं कि कोई वह है उसको आप घुमाते हैं पीटते हैं मारते हैं निर्वस्त्र करते हैं आई मीन इस तरह की जो शर्मनाक घटना और उस पर जिस तरह का रिएक्शन शासन का रहा है ये चौंकाने वाली बात है अब उसमें वो कह रहे हैं कि उस पार्टी के हैं इस पार्टी के हैं मैं कहता हूँ जिस पार्टी के हों आप उनको तुरंत गिरफ्तार कीजिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने ये होने दिया आखिर पुलिस

देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि आर एस एस लंबी लंबे समय तक काम करता है लंबे काफ़ी लंबी अवधि लेता है अपनी योजनाओं को बनाने का इसमें कोई दो नहीं और जिस तरह का सोच उनका है उसमें वो भारत को वाकई बदल देना चाहते हैं भारत 1947 में जिधर मुड़ा था चलने के लिए उसकी उल्टी दिशा में ले जाना चाहते हैं भारत 1947 में किस दिशा में उड़ा था एक लोकतांत्रिक समाज बनाने की दिशा में एक ऐसा समाज जिसके बारे में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचार रखती थीं लेकिन सब चाहती थीं कि लोकतांत्रिक बना रहे कोई पीपल्स डेमोक्रेटिक चाहता था समाज कोई चाहता था कि जैसा है वैसा ही बना रहे ये सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी लेकिन डेमोक्रेसी को सब ज़्यादा विस्तृत बनाना चाहते थे ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते थे आर पीछे ले जाना चाहता है एक ऐसे अंधकार युग में जहाँ पर राजा रानी रहते थे और एक ख़ास ढंग से लोग सोचते थे एक और कुछ ख़ास समाजों को बिल्कुल अधिकार नहीं था कुछ ही लोगों को अधिकार था मुझे लगता है कि ये जो ब्यूरोसी में जो तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह फाउंडेशन कोर्सेज के नाम पर अंक को बढ़ाया जा रहा है काफ़ी नंबर उस पर मिलेंगे और जो कंपीट करके लोग आएंगे उनके सामने बड़ी समस्या होगी कि कैसे वो वाकई सेलेक्ट हों कैसे ना हों दूसरा एक और इसमें जोड़ा है इन्होंने पहलू हाल में और मैं समझता हूं कि ये एस और कॉर्पोरेट के दोनों के नेक्सस का परिणाम है वो यह कि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को डायरेक्ट अपॉइंट करेंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में शासकीय जो आ, सेवाएं हैं उसमें बिल्कुल गलत है और वाजपेयी जी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे बड़े पैमाने पर लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रूल करते हैं वस्तुतः ज्वाइंट सेक्रेटरी एक ऐसी पोस्ट है भारत सरकार में जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं और आप ज्वाइंट सेक्रेटरी में अगर अभी दस ले रहे हैं कल आप पचास लेंगे कल आप साठ लेंगे जाहिर है आप विश्वविद्यालयों में अपने लोगों को बैठा रहे हैं आप हर जगह अपने लोगों को बैठा रहे हैं तो ज्वाइंट कोई ये नहीं मान सकता कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बैठाए जाएंगे वो आपके लोग नहीं होंगे सिर्फ आपकी विचारधारा से लैस नहीं होंगे दूसरे वैचारिकता से जो प्रभावित लोग हैं या इंडिपेंडेंट सोच के लोग हैं उनको आप हरगिज बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो ऐसे में मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के भगवाकरण का या ब्यूरोक्रेसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो धारा है उसकी जो अवधारणा है उससे बिल्कुल अलग या जुदा करने की एक बड़ी गंभीर साजिश ये मुझे नजर आती है क्योंकि सवाल केवल भगवाकरण का नहीं है सवाल है कि संविधान के उलट संविधान से बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने वाली ये पूरी की पूरी परियोजना है पूरा का पूरा राजनीतिक प्रकल्प है आखिरी सवाल उर्मिलेश की एक तरफ जब देश इस कहिए कि अंधकार युग से गुजर रहा है दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं के पास शायद एक ही मुद्दा बच गया है वो है कि किस तरीके से कांग्रेस पे अटैक किया जाए और हाल ही में राहुल गांधी का जो विदेशी दौरा है विदेश का दौरा है उस पर लगातार खबरें आ रही हैं जबकि ये इम्पोर्टेंट मुद्दे जो हैं वो गायब हैं दूसरा मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है भाजपा के लिए वो है वाजपेयी जी की कलश यात्रा तो 2019 को अगर नज़र में रखा जाए और हम यहाँ कह देना चाहते हैं कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस गलत नीतियों का लगातार विरोध होता रहेगा लेकिन क्या इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है देखिए सच ये है कि स्वयं भाजपा से जो निराश या भाजपा से बाहर निकले लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होने लगा है राज्यों के जो चुनाव आसन्न चुनाव हैं लोकसभा से पहले कि हम कई राज्यों में हार रहे हैं तो इसलिए उनको लगता है कि इस वक्त जो वाजपेयी जी जिनका नाम तक नहीं लिया जा रहा था इतने सालों से अचानक उनका नाम 15 अगस्त को पहली बार आया था लाल किले के, के प्राचीर से जब भाषण आया शायद वो भी तब जब कि लगा कि अब वाजपेयी जी कुछ ही समय बाद शायद नहीं रहेंगे इस दुनिया में नहीं तो उनका तो नाम नहीं लिया जा रहा था आज अचानक उनके अस्थि कलश को आप पूरे प्रदेशों में घुमा रहे हैं हर जगह आप उस पर मेला लगा रहे हैं और अजीब उल्लास का माहौल कई जगह देखा जा रहा है लोग हंसते हुए कलश को आगे लेकर चल रहे हैं भाई ठीक है हम हम आपके आपके वो नेता थे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे हम सबके प्रधानमंत्री थे हम उनके निधन पर हमने गहरा शोक प्रकट किया हमने श्रद्धांजलि अर्पित की लेकिन आप अगर किसी मृत्यु को किसे किसी ऐसी मृत्यु को जो एक तरह की यूँ कहा जाए कि स्वाभाविक प्रक्रिया में हुई हो एक उम्र के बाद काफ़ी लंबी उम्र उन्होंने पाई और आप उसको राजनीतिक उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कोई काम अपना नहीं बता रहे हैं कि आपने कृषि क्षेत्र में क्या किया रोज़गार के क्षेत्र में क्या किया आपने आ, आ, और ऐसा क्या काम किया है जो आप कहते थे कि हम ब्लैक मनी को ला देंगे हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे कितने भ्रष्टाचार आतंकवाद पर रोक आतंकवाद पर रोक लेंगे लगा देंगे हम हम पूरे देश में सुख शांति ला देंगे अब I इन mean, किसी क्षेत्र में जो आपका एजेंडा था हम तो आपके एजेंडे की बात कर रहे हैं मैं तो अपने बारे अपने एजेंडे की बात ही नहीं करता कि आप गरीबों के लिए कुछ करते आम लोगों के लिए कुछ आप जो कह रहे थे अपने मैनिफेस्टो में आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप नॉर्थ ईस्ट में टकराव का माहौल बनाने के लिए आपने एक काम किया आप जहां दंगे नहीं हो रहे वहां दंगे करा रहे हैं कश्मीर जो पटरी पर आ चुका था और वाजपेयी और मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में आया था मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी तीसरे ने लाया जो भी काम हुआ वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में काफ़ी हद तक कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चली भले ही पूरी तरह आतंकवाद खत्म न हुआ आपने उसको फिर से पटरी से उतार दिया ये आपकी उपलब्धियाँ हैं तो ऐसे दौर में मुझे लगता है इनके पास सिर्फ समाज को तोड़ने वाले एजेंडे हैं या लोगों को भावुक बनाने वाले या राहुल हैं। गांधी पे अटैक राहुल गांधी तो जैसे अब अब उस संजय कुमार का आपने जिक्र किया अब उन्होंने अटल जी पर कोई क्रिटिकल एक लाइन लिख दी आप उनको मारने पर उतारू हो गए अब राहुल गांधी राहुल गांधी ने भाषण किया बाहर जाकर उनको आमंत्रण मिला आप उनको कह रहे हैं कि अरे आपने आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कैसे जोड़ दिया भाई आपके पार्टी के नेता कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों को न जाने क्या क्या कहते रहते हैं आप जो लड़के यहां पर सामाजिक काम कर रहे हैं दिल्ली में आप उनको अर्बन नक्सलाइट कह देते हैं आप किसको क्या नहीं कहते आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को आपने टेररिस्ट घोषित कर रखा है और आपके बारे में अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी ही अप्रोच आपकी है तो इसमें क्या गलत है क्या गलत है अगर वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि हम भारत जैसे मुल्क में हम उग्रवाद को आतंकवाद को हम हवा देंगे इसमें क्या बुराई कह रहे हैं हाँ एक बात राहुल गांधी को और जोड़नी चाहिए थी कि अगर आरएसएस जैसे संगठन या विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन को इनका अगर यही विस्तार होता रहा तो यह भी असंतुष्ट और नाराज और विक्षुब्ध लोगों को एक खास ढंग के उग्रवाद से लैस करेंगे और ऐसे बहुत संगठन हैं मैं ये एक संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ आप सनातन संस्था को क्या कहेंगे आप राम सेने को क्या कहेंगे सनातन संस्था के लोगों पर आज भी सरकार इसी सरकार की एजेंसियां उनकी पड़ताल कर रही है। लगाता, रेस्ट लगाता, हो रहे हैं लगातार अरेस्ट हो रहे हैं तो अभी 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 जब उमर खालिद को यहाँ पर मारने की कोशिश की गई आई एन ए बिल्डिंग के सामने तो इन लोगों ने कहा कि ये ये बनावटी है और उमर खालिद ने अपने लिए स्वयं पिस्तौल ला दी थी या किसी और ने ला दी थी वो पिस्तौल पकड़ी गई पिस्तौल के बारे में पता चला कि हरियाणा से जुड़े दो लड़कों के पास में से एक की थी वो गिरफ्त में आ गए अब वो सब कबूल कर रहे हैं लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो हल्की फुल्की बात थी वो इसके लिए नहीं आए थे तो हमारा ये कहना है कि ये पूरी की पूरी जो इनकी आ, सोच है इनका जो ख़तरनाक चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है ये उसको किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि चुनाव में हम लोगों को इमोशनलाइज करें और लोगों को डराएँ धमकाएँ और साथ में या तो कम्यूनल पोलराइजेशन कराएँ यही इनका एकमात्र एजेंडा बचा है शुक्रिया उर्मिलेश लेश अपना समय देने के लिए और अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे धन्यवाद न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद